एक बार की बात है, ठाकुरपुर गांव में ठाकुर सिंह नाम का एक आदमी रहता था। वह बहुत ही मेहनती तथा ईमानदार था, लेकिन उसकी बुद्धि थोड़ी कमज़ोर थी, जिसकी वजह से वह बहुत ही गरीब था। उसका एक दोस्त महेश कुमार था, जो ठाकुर सिंह की तुलना में बुद्धिमान था। एक दिन ठाकुर सिंह ने महेश से कहा, भाई महेश, मुझे एक नया व्यापार शुरू करना है, तुम कुछ सोच के बताओ कि मैं क्या करूं। महेश मुस्कुराकर बोला, बिल्कुल भाई, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। हमारे गांव में एक भी खाने का ढाबा नहीं है, तुम एक ढाबा खोल लो। फिर ठाकुर सिंह बोला, भाई ढाबा खोलने में तो बहुत पैसे लगेंगे, और तुम जानते हो कि मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं एक ढाबा खोल सकूं। फिर महेश बोला, भाई तुम एक छोटी सी दुकान से शुरुआत करो, थोड़े पैसे मैं दे दूंगा। ठाकुर सिंह इस बात पर राजी हो जाता है और दोनों दोस्त बात करते करते वहां से चले जाते हैं और पैसे की तलाश में लग जाते हैं। थोड़े ही समय में दोनों अपने पैसे इकट्ठे करते हैं और कुछ ही दिनों में एक छोटा सा दुकान खोल लेते हैं। दुकान खोलते ही लोग ठाकुर सिंह की दुकान पर चाय नाश्ता करने लगते हैं। उसका चाय नाश्ता लोगों को काफी पसंद आने लगा। अरे ठाकुर सिंह, मैंने आज तक इससे बढ़िया नाश्ता कभी नहीं किया है, तुम्हारे नाश्ते की बात ही अलग है। वाह भाई वाह, मजा आ गया। ठाकुर सिंह अपने व्यापार से बहुत खुश था, उसे बहुत लाभ मिल रहा था। कुछ दिनों बाद ठाकुर सिंह महेश के पास गया। उसके घर पहुंचकर ठाकुर सिंह ने बोला, महेश भाई, ओ महेश भाई, कहाँ हो तुम? फिर महेश नीचे आया और बोला, क्या हुआ भाई, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? अरे भाई महेश, तुम्हारा विचार तो बहुत बढ़िया था, हमें व्यापार में काफी मुनाफा हो रहा है, तुम सच में बहुत बुद्धिमान हो। फिर महेश बोला, भाई अब हमें एक बड़ा ढाबा खोलना चाहिए, जिससे हमें और ज्यादा मुनाफा हो। दोनों दोस्त इस बात पर तैयार हो जाते हैं और कुछ दिनों की मेहनत के बाद एक बड़ा सा ढाबा खोल लेते हैं। कुछ ही दिनों में ठाकुर सिंह के ढाबे पर भारी भीड़ हो जाती है। लोग उनके खाने का बहुत तारीफ करते हैं, जिससे लोग दूर दूर से ठाकुर सिंह के ढाबे पर खाना खाने आने लगते हैं। ठाकुर सिंह ने ज्यादा भीड़ की वजह से अपने ढाबे में दो लोग हीरा और बंसी को काम पे रख लिया। इसके बाद दोनों दोस्त ऑनलाइन खाना बेचना शुरू कर देते हैं और खाने का घर घर डिलीवरी करने लगते हैं। ऑनलाइन व्यापार से दोनों दोस्तों को बहुत फायदा होने लगता है। देखते ही देखते वे काफी अमीर हो जाते हैं और एक बड़ा घर बनवाकर उसमें आराम से रहने लगते हैं।